Last call! Hands are being 45. 45, 45, come to the cell, sir, it's matter 45,000. Albert wants. लाइव ऑप्शन चल रहा है, मैं आगे चल के आप लोगों को सस्ती गाड़ी में दिखाने वाला हूं और तरीके भी बताने वाला हूं कि कहां तक गाड़ी खरीदनी चाहिए। और पीछे रेड लाइट चल रहा है तो रेड लाइट क्या है और ग्रीन लाइट क्या है वो भी मैं आज आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, अभी वहां पे वो लाइव जो ऑप्शन है वो भी चल रहा है और मैं आप लोगों को बहुत सी गाड़ियों की प्राइस डिटेल सब कुछ दिखाने वाला हूं आज एंड तक। BMW का मॉडल, BMW का मॉडल है, फ्रंट से ये लगा हुआ है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं, 2020 का मॉडल है, BMW Z4 का है, 42,000 में। और ये गाड़ी जो है ना ओनली 2 पैसेंजर है, ओनली एक ड्राइवर बैठेगा यहाँ पे और एक पैसेंजर बैठेगा। और अंदर से गाड़ी का जो लुक है ना वो ऐसा नज़र आने वाला एकदम जो है ना ज़बरदस्त है। और पीछे से अगर बात करते हैं तो पीछे से ऐसा नज़र आने वाला एकदम बढ़िया गाड़ी। अभी जो है ना आगे चल के मैं आप लोगों को लास्ट में टिप ट्रिक और क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती है वो भी दिखाने वाला हूँ। अभी उधर जो है ना वो लाइव ऑप्शन हमारा हुआ है ना वो चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सस्ती और चीप प्राइस में गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं और गाड़ियाँ और गाड़ियों का प्राइस। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो गाड़ी खड़ा हुआ है वो है ओडी का मॉडल। ओडी का मॉडल आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त है, व्हाइट कलर के अंदर है और लोअर रिम लगे हुए हैं 5 स्टार के, सिल्वर कलर के अंदर गाड़ी एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। मैं आप लोगों को इधर से घुमा के दिखा दूँ, इधर से ये गाड़ी ऐसा नज़र आने वाला, ओनली इसका ये वाला बम्पर लगा हुआ जस्ट, बाकी गाड़ी एकदम परफेक्ट कंडीशन में नज़र आ रहा है। इसकी जो प्राइस की बात करते हैं आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2021 का मॉडल है, ओडी A5 का मॉडल है और 69,000 में इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है। अंदर से गाड़ी की बात करते हैं तो अंदर से कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाली, एकदम परफेक्ट कंडीशन में। और पीछे से अगर हम लोग देखते हैं तो पीछे से इसका बम्पर जो है वो गायब है, बिल्कुल गाड़ी के साथ नहीं है, ये नॉर्मल है, रिपेयरेबल है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो ये है जी मैक्सिमा का मॉडल है, 2016 का मॉडल है मैक्सिमा, 19,000 में मिल रहा है, 5% गवर्नमेंट का वैट आप लोगों को देना पड़ेगा। और अभी जो रेड लाइट है वो ऑन है, रेड लाइट में मैं आप लोगों को उधर जाकर लाइव वीडियो बना के दिखाता हूँ, उनके करीब जब जाऊँगा तो बाकी की इन्फॉर्मेशन मालूम मैं उधर करीब जाकर आप लोगों को देने वाला हूँ। अच्छा उसके बाद ये वाला गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, इसको फ्रंट से दिखा दूँ अंदर से दिखा दूँ बाद में नहीं कहना यार अंदर से नहीं दिखाया, अंदर से अगर बात करते हैं तो ऐसा नज़र आने वाला एकदम बढ़िया कंडीशन में। और उसके बाद यहाँ पे ये फ्रंट से ऐसा नज़र आने वाला भाई मैक्सिमा का जो शेप है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे। और उसके अगर आगे जाते हैं हम लोगों को दिखने वाला ये वाला शिवरलेट नहीं है यार डोज चैलेंजर का मॉडल है, चार्जर का, रेड कलर में ज़बरदस्त गाड़ी है, 2020 का मॉडल है, 2020 चार्जर, 66,000 में इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह से हमारे नज़र आने वाला एकदम भाई बढ़िया कंडीशन में, एयरबैग इसका पॉपअप हुआ हुआ है फ्रंट से। और बाकी पीछे से अगर बात करते हैं तो गाड़ी ऐसा नज़र आने वाला है रेड कलर के अंदर, एकदम नेक्स्ट लेवल का गाड़ी हमें नज़र आने वाला है, बढ़िया गाड़ी है यार। और ये फ्रंट से लगा हुआ है और उसके साथ है ये वाला किया रियो का मॉडल है और ज़बरदस्त गाड़ी है, 2021 का मॉडल है, 21,000 में इसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐसे ऑप्शन लगाया जाता है और लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, आप लोग भी खरीद सकते हो। और यहाँ पे इस गाड़ी का फ्रंट ऐसा नज़र आने वाला है, इसका ये फ्रंट लगा हुआ है और ज़बरदस्त गाड़ी लग रहा है यार, एकदम जो है ना बढ़िया है। और दोस्तों मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ होंडा सिविक, 2022 का मॉडल है और 24,000 में इसका जस्ट बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है। और गाड़ी सिल्वर कलर के अंदर एकदम मस्त लग रहा है और अलॉय रिम नहीं लगे हुए इसके अंदर, हैंडल नहीं है, मैं आप लोगों को अंदर से दिखा पाता। और इधर से अगर बात करते हैं तो ऐसा नज़र आने वाला है हमें, डैमेज है फ्रंट से, बाकी इंजन गियर जो है ना इसका बिल्कुल बराबर पड़ा हुआ है, कुछ भी इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हुआ है और ओके है गाड़ी। बस आप लोगों ने मेन चीज़ जो होता है वो गाड़ी का चेसिस चेक करना होता है, वो गाड़ी ओके है यहाँ पर। अच्छा उसके साथ है ये वाला लेक्सस का मॉडल है, यहाँ पर ये डैमेज हुआ हुआ है और लेक्सस 2017 का मॉडल है, NX 200T, 47,500 में इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है। और अंदर से भाई गाड़ी जो ना एकदम मस्त है, रेड का जो कॉम्बिनेशन दिया ना ब्लैक के साथ नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। और उसके बाद अगर बात करते हैं पीछे से गाड़ी ऐसा नज़र आने वाला है एकदम बढ़िया कंडीशन में। अच्छा दोस्तों उसके बाद है जी मर्सिडीज़ 2017 का मॉडल है, वाइट कलर के अंदर एकदम ना मस्त लग रहा है, S550 का मॉडल है और इसका जो प्राइस है 2017 का है मर्सिडीज़ है, 89,000 में इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है। पानोरामा ग्लास लगा हुआ है इसके अंदर भी। और उसके बाद अंदर से अगर देखते हैं तो भाई माशाल्लाह रॉयल लुक जो दे रहा है गाड़ी, अंदर से एयरबैग फटे हुए हैं, बाकी एकदम ज़बरदस्त कंडीशन में पड़ा हुआ है गाड़ी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया हुआ है। और अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो ऐसा नज़र आने वाला है, ज़बरदस्त गाड़ी है। गर्मी दोस्तों बहुत है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगे चल के और भी गाड़ियाँ,
कि पीछे जो रेड लाइट जल रहा है, ये रेड लाइट क्या है, ग्रीन लाइट क्या है, कैसे खरीदनी है, थोड़ा और इंतजार करें, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज में दूंगा उधर जाके एंड। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉयल ब्लू कलर के अंदर भाई ये वाला जो गाड़ी हमें नजर आने वाला है, एकदम नेक्स्ट लेवल का गाड़ी बनाया गया है, निसान अल्टिमा 2020 का मॉडल है और 29,000 में इसका बिड प्राइस स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद अगर अंदर से बात करते हैं तो अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह से हमें नजर आने वाला है, एकदम बढ़िया और परफेक्ट कंडीशन में गाड़ी पड़ा हुआ है, रॉयल ब्लू भाई बहुत मस्त कलर लग रहा है। वैसे ये वाला कलर कम दिखने को मिलता है, ज़बरदस्त है, अल्टिमा का मॉडल है। और ये डैमेज की इधर से मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ भाई, ये इधर से डैमेज है, ये नॉर्मल है, इसका डोर लगा हुआ है, ये डोर रिप्लेस हो जाएंगे दोनों, इसका ये वाला साइड मिलर रिप्लेस हो जाएगा, फेंडर नया डल जाएगा, बाकी बोनट में हल्का सा खराश है, ये रिपेयरेबल है, यही चलेगा सही है, और बाकी गाड़ी एकदम ओके की कंडीशन में नजर आ रहा है दिखने वाला। ये वाला रेड कलर के अंदर लेक्सस का मॉडल, अभी लेक्सस तो लेक्सस है, अभी काफी जो ना वो अंधेरा होता जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 28,500 का इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है, और ये पूरा डैमेज है इधर से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अंदर से अगर बात करते हैं तो अंदर से कुछ इस तरह से इसका जो इंटीरियर हमें नजर आने वाला है ना, जबरदस्त लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अभी इस गाड़ी का नंबर आने वाला है, इसका जो बिट प्राइस है ना वो 0 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निसान विरसा 0 से इसका बिट प्राइस स्टार्ट होगा। ब्लू कलर के अंदर गाड़ी है, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, और फ्रंट से ये लगा हुआ है, फ्रंट से मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ, फ्रंट से अगर बात करते हैं तो ये जस्ट इतना सा लगा हुआ है यहाँ पे, ये डैमेज है इसका, बाकी गाड़ी एकदम नया है, नीट क्लीन है। उसके बाद ये वाला जो मर्सिडीज़ है ये भी पड़ा हुआ है, ये खैर बहुत पुराना मॉडल है, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2013 का मॉडल है और 18,500 में इसका बिट प्राइस जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है, सनरूफ इसमें भी लगा हुआ है, और अभी जो है ना वो रेड लाइट ऑन है, रेड लाइट के अंदर है, नमाज का टाइम हो गया हुआ था इसलिए वो लोग बंद करके चले गए, अभी कुछ देर में ऑक्शन वापस स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18,500 इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आज तो देख ली हुई हैं, और अभी वीडियो वो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों ने फ्री एंट्री देनी है और आके बिट करना है, गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीदने से पहले आप लोगों ने क्या क्या चेक करना होता है, गाड़ी का जो है ना गियर, इंजन गियर चेसिस की आप लोगों ने थोड़ी मेन चीज़ जो आप लोगों ने देखने वाली होती है, इंजन गियर और चेसिस होता है, और ये लोग तो गारंटी आप लोगों को नहीं देंगे, जस्ट आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर गाड़ी खरीदना होता है। तो बाकी ज़बरदस्त हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने आज जो वीडियो देखा और कौन कौन सी गाड़ी आप लोगों ने पूरी देख ली है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो अपडेट आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो इसी के साथ इसी वीडियो को एंड करते हैं, डू टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।